अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर पॉडकास्ट सेशन ऑफ चैट प्रॉपर्टी। व्यूअर्स, आज की जो हमारी इस ये पॉडकास्ट सेशन है, इसमें हमारा जो थ्रू आउट फोकस रहेगा, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा, वो होगा हाई राइज प्रोजेक्ट्स, हाई राइज इंडस्ट्री जो है इस्लामाबाद रियल एस्टेट में वो कैसे ग्रो कर रही है, क्या उसके ट्रेंड्स हैं, उसमें क्या जो उसके जो नेगेटिव्स उसके क्या हैं, वो आपको कैसे एक अच्छा आउटकम या कैसे वो ग्रो करता है, वो आपको फ़ायदा कैसे देता है, उसमें कुछ जो है उसके फ्लॉस या प्रोजेक्ट्स क्यों फ्लॉप होते हैं, प्रोजेक्ट्स कामयाब क्यों होते हैं, आप कैसे असेस कर सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जो आज हमने इन्वाइट किया है मिस्टर जो है सुभान दानी साहब को, जो कि एक रियल स्टेट प्रोफेशनल भी हैं, हाई राइज एक्सपर्ट भी हैं, कंसल्टेंसीज भी देते हैं और इसके साथ एक बहुत बड़े एक वेल नोन एक अच्छे ग्रुप के साथ आजकल वो अटैच हैं। तो जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद यू। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आजकल क्या आपकी मसरूफियात है, कहाँ आप जो है आजकल? वेल, बेसिकली आजकल मैं एक बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मियाँ ग्रुप चकवाल डेवलपमेंट्स, उनके साथ एज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स काम कर रहा हूँ। और अभी तक का जो मेरा एक्सपोजर उनके साथ रहा विद इन दिस टेन्योर ऑफ 6 मंथ वाज वेरी ग्रेट, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम। और मजीद जो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन चल रहे हैं उनके, और जिनमें ज्यूल, एमजीसी ज्यूल, एमजीसी डिवाइन और एमजीसी 5 और मजीद कुछ नए प्रोजेक्ट भी आते रहेंगे साथ साथ, वो भी अपडेटेड रखेंगे। ठीक है जी, ओके, सॉरी फॉर कटिंग ऑफ। बेसिकली हम पहला जो सवाल मेरा यही है कि हाई राइज जो है वो बेसिकली जो बड़े सिटीज़ हैं जिसमें लाहौर, सॉरी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, ये जो 3-4 बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ हाई राइज का ट्रेंड भी है, हाई राइज कामयाब भी है, हाई राइज ग्रो भी कर रहा है, वो एक हिस्ट्री है। बाकी जो हमारे दूसरे शहर हैं जिसमें बेसिकली मैं खुद फैसलाबाद से उसकी मैं बात करूँगा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, ये जो शहर है वो शहर है जहाँ पे सोसाइटीज़ के जो ट्रेंड है वो काफ़ी वो एक ठीक ठाक ट्रेंड से वो शुरू हो चुके हैं, सोसाइटीज़ बन भी रही हैं, आ भी रही हैं, लेकिन हाई राइज को बिल्कुल लोग उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोग कहते हैं हाई राइज समझते ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल, तो व्हाट इज़ हाई राइज, ये ज़रा बताइए। हाई राइज बेसिकली एक रूफ के अंदर एक अच्छी कम्युनिटी को हम रिजाइड करते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं विद इन द एरिया, जिस एरिया के ऊपर अगर आप एक कनाल का या दो कनाल का घर बना रहे हैं उधर, या आप अगर दो फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 20-30 फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हाई राइज बेसिकली इज़ दिस, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कम्युनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं और आपको एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जो आजकल लोगों को थ्रेट है, क्योंकि जिस तरह के मुल्क हालात हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सिक्योरिटी 24/7 और मेक श्योर होती है। इस चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ तो हाई राइज बेसिकली एक थोड़े से मैसिव एरिया पर एक बिल्डिंग बनती है, आई थिंक कोई 4 to 5-6 कनाल से जिसका वो स्टार्ट हो सकता है, और मल्टीपल स्टोरीज की 14 to 25 स्टोरीज को एक प्रॉपर एक बिल्डिंग बनती है, जो रेजिडेंशियल, जिसमें जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल उसका एक मिक्सचर होता है, जिसमें आपको अंडर वन रूफ जो है आजकल जो बैरिया में तो बहुत मतलब के बड़े लेवल पे हाई राइज बन रहा है, जिसमें आपको अंडर वन रूफ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपको अमेनिटीज की अवेलेबिलिटी जो है वो मिलती है। बिल्कुल, बेसिकली मैं बताऊं कि आपको उस एक बिल्डिंग में जो बंदा रह रहा है उसको किसी भी अपनी किसी जरूरत के लिए, किसी काम के लिए उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उसको हर चीज़, हर जो अवेलेबिलिटी उस एक जो है हायर सॉरी अंडर वन रूफ जो है उसको वो हर चीज़ उसको अवेलेबल होती है। तो इसके साथ जो है मैं अब आगे जो है इसको लेके चलूँ, अब सोसाइटीज जो है यहाँ पे तो थोके हिसाब से शुरू हुई है। एग्जैक्टली, इट पुटो जो है सोसाइटी जो है वो आपको मिलती है। यही तो सोसाइटीज और प्लॉट और जो हायर है जो एक डेवलपमेंटल रियल एस्टेट जिसको हम कह सकते हैं, इसमें क्या इसका एक कंपैरिजन किया है, इसमें दोनों को लेकर हम चलें तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी जो है उसमें वो पहलू आता है और प्लॉट जो थोड़ा आई थिंक कन्वेंशनल रियल एस्टेट की तरफ exactly. चीजें आती हैं। अब exactly. एक प्लॉट, एक बंदा है वो कह रहा है मैंने प्लॉट लेना है और एक बंदा कह रहा है कि हाई राइज क्या है, उसको आप कैसे डिफरेंशिएट? देखें, अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उसी तरह की सप्लाई दी जाएगी। ये हमारा एक कन्वेंशनल वे है कि वो जिस तरह जब हमने नई नई रियल स्टेट स्टार्ट की थी तो हमें हमारा उस्ताद कहता था कि यार जो चीज़ जो बंदा मांगे उसको चुप करके दे दो, उसको ज़्यादा एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिस तरह मैंने ग्रुप का बताया कि मैं एक बहुत अच्छी ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं। ठीक, जो दूसरा मेथड है प्लॉट वाला, वो प्लॉट में बेसिकली आपने एट द एंड घर बनाना है,
ठीक है, अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसके ऊपर आप घर बनाएंगे, कमर्शियल प्लॉट है तो उसके ऊपर आप एक सिंपल आर्केड टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे, एक प्लाजा बना देंगे। तो डिपेंड करता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप एंड यूज़र हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग अगेन। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये बाकी आपके जो मुल्की हालात हैं वो तो आपको पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सिनेरियो चल रहा है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डिवेल्यू हुआ है, ठीक है। और उसमें जो सबसे मेन टॉप के ऊपर आता है वो प्लॉट है। प्लॉट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आज जो एक केस स्टडी है, आज से कुछ साल 1.5 साल पहले लोग प्लॉट से बाहर नहीं आ रहे थे और अभी ऐसा है कि अब वो प्लॉट से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है ड्यू टू सम रीजंस, जिसमें आपके टैक्सेशन है, ठीक है, रिसेशन है, देन डिमांड एंड सप्लाई वाला फैक्टर, उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है, प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी, आर्टिफिशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा जो अगर आप हाई राइज की बात करते हैं, हाई राइज में बेसिकली आपने क्योंकि घर का यही प्लॉट का यही मकसद होता है कि आपने एट द एंड घर बनाना है, ठीक है। अगर आपने एट द एंड घर ही बनाना है तो आप क्यों ना एक ऐसे एक ग्रुप के साथ जाएं जो एक अच्छी मेंटेन बिल्डिंग आपको बना के दे रहा है, जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपको मतलब वहां से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट की बड़ी एक बचत हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। मैं इसमें एक चीज पॉइंट आउट करूं, हाई राइज बेसिकली एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपको एक प्रॉपर्टी की जो है ओनरशिप के साथ साथ आई थिंक इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट की भी बहुत सारी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, आप वहां से एक ट्रेडिंग के लिए भी उसको लेके चल सकते हैं। अब इसकी मैं अगर कॉस्ट की मैं बात करूं तो आई थिंक 2-3 bed अपार्टमेंट यूजली जो डिफरेंट अच्छी जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक 2 bed अपार्टमेंट आपको बैरिया में, अगर मैं जो करंटली जो मौजूद है, आपको 1-1.25 crore तक अच्छा फुली फर्निश्ड आपको 2 bed अपार्टमेंट इजीली मिल जाता है, सकता है। जी बिल्कुल सलमान भाई, मैं इस बात को थोड़ा सा कट ऑफ आपको कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। देखें अगेन, आप जब करते हैं किसी चीज़ का भी कंपैरिजन तो आप प्राइसिंग को वैल्यूज के हिसाब से एकोमोडेट करते हैं। देखें आप अगर बात करें 1.5 crore, 2 crore, मैं तो आपको 5 crore का भी अपार्टमेंट 2 bed का दिलवा सकता हूँ। अगर बैरिया की आप बात करें तो 1.5-2 crore आप बिल्कुल फर्निश्ड अपार्टमेंट की बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी जो वैल्यूज या प्राइसिंग को आप एवेल्यूएट करते हैं वो आपकी वैल्यूज से होती है, ठीक है, आपको किस प्रोजेक्ट में किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं उस हिसाब से। अब जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है MGC ज्यूल के नाम से, उसमें आपको बेस्ट वेस्टर्न अमेरिकन होटल चेन है 4-star, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ MOU किया, वो हमने बल्कि प्रॉपर एक फ्रेंचाइज परचेज की जिसको हम उधर लेकर आ रहे हैं। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे वैल्यूज क्या मिल रही हैं, एक स्टैंडर्डाइज जो है लाइफस्टाइल आपको जो है उसका इनहेंस करता है, आपके लाइफस्टाइल को जो चीज़ वो उसको बढ़ाती है। मैं बात एक कंपैरिजन कोर्स का इसलिए कर रहा था कि आपको यहाँ पे अगर आपको एक फैमिली है सिंगल फैमिली, उसको 5 मरला घर तो चाहिए अपनी जो उसको रहने के लिए, अगर उनके 2-3 बच्चे हैं तो उनके सारे अकोमोडेशन के लिए 5 मरला घर उनको चाहिए, तो आपको 5 मरला घर यहाँ पे अवेलेबल आपको कम से कम, अगर मैं करंटली बात करूँ तो आपको 2 crore से नीचे ब्रांड न्यू 5 मरला घर जो अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो सेम वो चीज़ आपको एक तो 1-1.25 crore तक कोई बहुत अच्छी है तो जिसमें लिफ्ट शिफ्ट भी इंस्टॉल है सारा कुछ है, तो 1.5 तक आपको मैक्सिमम वो एक तो लिविंग मिल जाती है और फिर ये आपकी कॉस्ट भी वो काफ़ी वो उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। इसके साथ आपको एक अच्छा सेफ्टी और एक बैकअप आपको हर चीज़ का अच्छा आपको अंडर वन रूफ काफ़ी सारी चीज़ें वो जो मिल जाती हैं। इसके साथ जो है फर्दर मैं बात करूंगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग कह रहे हैं कि यार बैरिया टाउन में इवन अगर मैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 14 हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनमें काफी बड़े बड़े ग्रुप्स के जो हैं प्रोजेक्ट्स सर ज्यादा बन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अकेले की मैं सर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 14+ ओवरऑल बैरिया में आई थिंक मोर और लेस 200 प्रोजेक्ट्स जो है exactly. वो बन रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो लोग पूछते हैं कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई 15-15 stories, 20-20 stories, इसमें आके कौन रहेगा ये डिमांड इसकी मतलब कि आइदर वो सेम डिमांड आपको पीछे है कि इतनी कैलकुलेशंस कि आपको ये जो आपका हाई राइज है ये आपका सारा इस चीज को फिलअप करेगा, इसको जो है वो साथ लेके चलेगा तो इसको मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, इस पे जरा मुझे बताएं क्या। देखिए आप हम बात करते हैं जब भी कोई सोसाइटी बनती है, सोसाइटी अपना एक स्टैंडर्ड फार्मूला देती है परसेंटेज का कि हम इतने परसेंट रेजिडेंशियल देंगे और इतने परसेंट कमर्शियल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हाई राइज बनता है वो हमेशा कमर्शियल प्लॉट के ऊपर ही बनता है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अकोमोडेशन और डिमांड एंड सप्लाई वाले फैक्टर की हो सकता है सरप्लस फैक्टर ना आ जाए, जो आपके पॉइंट्स हैं या जो मोस्टली इन्वेस्टर्स के पॉइंट्स होते हैं कि यार अगर सरप्लस फैक्टर आ गया हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा होगी
तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल होगी कि हम अपनी चीज को सेल आउट कर सकेंगे। बाटा वाला आपने देखा होगा फार्मूला कि जब चीज बिक नहीं रही होती तो वो डिस्काउंट लगा डिस्काउंट देते लगा हैं, देते ठीक है। तो ये खदशा होता है लोगों को। देखें, मैंने जो पहले एक शुरू में एक पॉइंट रखा था, वैल्यूज वाला और प्राइसिंग वाला, आपके हैं। प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो उसकी वैल्यू से बढ़ती है, ठीक है। आप किस किस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सिल्वर ऑक्स के नाम से, ठीक है। वो इसी वजह से चल रहा है कि यार उसको एक कंपनी मेंटेन कर रही है, उसमें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको हर तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, तो डिपेंड अगेन यही करता है कि आप वैल्यूज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अगर आप ये बात करते हैं कि हम अकोमोडेट किस तरह से करेंगे, हम लेके किस तरह से चलेंगे, कि इतनी ज़्यादा जो सप्लाई है उसको हम फुलफिल कैसे करेंगे या उसके लिए बायर कहाँ से ढूंढेंगे, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बायर्स की कमी नहीं है। और अगर बिल्कुल हम केस स्टडी की बात करें सलमान साहब, तो आप ब्लू एरिया बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। है। अगर आप ब्लू एरिया इस टाइम पे जाएं तो आपको पाँव रखने की जगह ना मिलेगी। ब्लू एरिया की भी बात करूं, अगर मैं करंटली बैरियर ऑन फेजेड की बात करूं, तो यूजली हम लास्ट ईयर यहाँ पे आए थे, तो ये जो बिल्डिंग्स अभी आपको ग्रे में नज़र आ रही हैं, ये जब फर्निश्ड होती हैं, डिलीवर्ड होती हैं, आपको आपको अपार्टमेंट मिलता नहीं है। मिलता नहीं है एग्जैक्टली हमें हम देखते हैं कि 3, 4, 5, 6, 8, 10 एक रोड पे एक लाइन में जो है चीज़ें बन रही हैं, पर उसकी डिमांड इतनी है, यकीन करें कि आपको अपार्टमेंट मिलता नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है, पूरा ढूंढ कर आपको पड़ा रेंटल, स्पेशली फॉर रेंटल पर्पजेज आपको अपार्टमेंट नहीं नहीं मिलता। मिलता। और इसके साथ अगर मैं सॉरी फैक्ट की बात करूं, फिगर्स की बात करूं, तो पाकिस्तान की जो 49% जो है अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट जो आपकी जो है पॉपुलेशन है वो यूथ है, जो कि आई थिंक कोई 18 से 30 साल के दरमियान जो है ना उनकी एज है। तो उनके लिए अगर कमिंग फ्यूचर अगर मैं 30 साल का भी एस्टिमेट लगाऊं, तो 18 वाला 48 का हो जाएगा, 30 वाला 60 का हो जाएगा। तो इस सारे सिनेरियोज में उनको एक बहुत सारे हाउसिंग यूनिट्स हमें चाहिए। आप आइडिया करें कि आप पूरा बाईस नहीं कर करोड़ सकते। 22 करोड़ की अगर मैं उसका आइडिया लूं, 22 करोड़ का हाफ अगर 10.5-11 करोड़ का हमारी यूथ है, तो आप ये अंदाजा लगाएं जो कि इन फ्यूचर जो कि बढ़ेगी भी पॉपुलेशन सारी बात, तो एक साइज उसका ऑपरेशन बढ़ता फैक्टर बहुत है, बड़ा फैक्टर है। तो उसको आप इससे आइडिया लगाएं कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये ऑब्वियसली आपकी डिमांड को फुलफिल करेंगे, बल्कि मे बी हो सकता है कि आपको जो है हाउसिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, मजीद और बनाने चाहिए। देखें, अब वो सलमान साहब, हमने अगर अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, इससे सबसे ज़्यादा जो अगर इफेक्ट हुई है एक फील्ड, तो इंडस्ट्री फील्ड, इंडस्ट्री अगर इफेक्ट हुई है तो वो रियल स्टेट की इंडस्ट्री है। रियल स्टेट की इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पड़ा है। आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करेंगे क्योंकि आपका काम भी हाउस और डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो राउंड अबाउट 300% बढ़ चुकी हुई है मटेरियल मटेरियल की, जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी और बेसिक चीज़ें हैं। मजदूरी का तो फिर वो बहुत ऊपर चला गया, जहाँ पे आप 500 या 800 रुपया मजदूरी दे रहे थे, वो आप 1500 2000 रुपये आपको पर डे के हिसाब से मजदूरी देनी पड़ रही है। तो इससे आपकी जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो बहुत आपकी इफेक्ट हुई है। आपके लिए घर बनाना नियर टू इम्पॉसिबल हो बिल्कुल चुका ऐसा हुआ है, ठीक है। आपके लिए बना बनाया घर आसानी से मिल सकता है। क्यों ना वही एक बर्डन जो है हम एक डेवलपर के ऊपर डालें, जो हमें एक रेडी चीज एक आपको दे, रेडी रेडी करंट चीज़ के रेट पे दे करंट दे। रेट के ऊपर दे। अगर वो प्रोजेक्ट बना भी रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप अमाउंट ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मंथली बेसिस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट देते रहें और आपके लिए एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट बन जाए विद इन 4 to 3 years, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। और जो आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट और ये नीड को पूरे करने वाली, तो ऑब्वियसली आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात। तो इसके साथ ही अगर मैं एक और चीज़ को यहाँ पे जो है हाईलाइट करूँ, हमारे कुछ ये जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल, उनका मानना है कि ये जो हाई राइज है ये बस अलीट क्लास की जो है उसकी एक्सेस है। तो हमारे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम खुद काम कर रहे हैं, जिसमें आप इवन 100 स्क्वेयर फीट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक और पॉडकास्ट सेशन करेंगे, जो कि इससे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट सेशन होगा जो है होपफुली। इसके साथ अब थोड़े से जो है इशूज़ पे आ जाते हैं कि हाई राइज में स्कैम्स, हाई राइज में फ्रॉड्स, पैसे लेके भाग के पूरा नहीं किया, प्रोजेक्ट वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, 10 साल हो गए, 4 साल गए थे, इसका इसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या सलमान ये चीज़ है। साहब मेरे उस्ताद हैं रियल एस्टेट में, इज माई मेंटोर, माई टीचर सैयद अनवर अली शाह साहब। उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि जब तक लालची इंसान जिंदा है, ठग फ्रॉडिये का ठग नहीं काम मरेगा, चलता ठग रहेगा, भूखा नहीं मरेगा। ठीक है।
तो आप जो बात कर रहे हैं वो डबल चा वाली बात कर रहे हैं कि आप हमें पैसा दें, आपको साल में डबल कर देते हैं, 2 साल में डबल कर देते हैं। तो ये पोंजी स्कीम्स हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका जो अगर आप रेंट वाली फार्मूले की बात करें तो रियल स्टेट के अंदर जो थंब रूल है, एक बनी बनाई चीज़ का रेंट है, वो 0.5% होता है, वो या 0.6% तक चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और जो रेंट वाली आप बात कर रहे हैं या जो स्कैम वाली आप बात कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग ये चीज़ देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, या कुछ ऑफिसेज, जिस तरह आपने सुना होगा कि कुछ ऑफिसेज ऐसे भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप एंटर होते साथ ही आपको आई कैंडीज नज़र आती हैं। बिल्कुल आप एक, अगर हम हाँ, आम इन्वेस्टर की बात करें जो बिल्कुल न्यू टू रियल बहत्तर स्टेट में है, उसके शायद ही, लिए बहत्तर में कुछ 36-35 हीरोज हो रहे हैं जो आपको यहीं पे मिल जाती हैं वो यहाँ पे मिल जाती है आपको। बिल्कुल तो इसके अंदर देखें, आप जब जैसे एंटर होते हैं तो फ्रॉडियां हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं। अगर फ्रॉड का सबसे पहले नाम आता है तो रियल स्टेट इंडस्ट्री सबसे ऊपर तरीका आती है, वारदात है ना असल तरीका में। वारदात है। देखिए, आप एंटर होते हैं, आपको आई कैंडी नजर आती है, लड़कियां बैठी होती हैं मेकअप करके, और आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको लगता है आप अलग ही जहान में आ गए, और सबसे बड़ी जो रियल स्टेट की ये सबसे बड़ी पाकिस्तान को इंडस्ट्री यही चला है, रहे हैं कंपनी है, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप जाएंगे, आपको बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, आप जाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे 5-स्टार होटल के, आपके लिए खाने आएंगे, फिर आप जाएंगे, आपको V8 में बिठा के आपको घुमाने लेके जाएंगे और दिखाएंगे प्रोजेक्ट्स। तो हर बंदा फ्रॉड नहीं होता, कुछ लिजिट काम करने वाले भी होते हैं, जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं, नाम नहीं लूंगा, कुछ ग्रुप्स हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ग्रुप्स जो हैं बिल्कुल ही पैसे लेके भाग चुके हुए हैं। ऐसे। तो ये चीज़ नज़र रखते होते हैं हम। कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जिसको जिसके ऊपर हम जज करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एवेल्युएशन इन्वेस्टमेंट जिसको हम करेंगे, कह सकते हैं। एवेल्यूएशन करते हैं। एग्जैक्टली, अब नया बंदा है, बाहर से आया, ओवरसीज क्लाइंट है पाकिस्तान में, उसको रियल स्टेट का अता पता नहीं है, वो आता है और जाता है किसी कंपनी की, किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो जाती है फेसबुक के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उनसे बात हो प्लेटफॉर्म जाती से है। हाँ, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो मीटिंग अपॉइंट करते हैं, जाते हैं साथ। तो उसके लिए उनको चाहिए कि एक प्रॉपर कंसल्टेंट वो हायर करे अपने साथ, ठीक है, जो बिल्कुल एक डिफरेंट हो, एक कंपनी से डिफरेंट हो, वो काम कर रहा हो, वो जो जाए उसके मार्केट साथ, में, जिसको मार्केट सिनेरियोस का वो उसको मार्केट इल्म सिनेरियोस का हो, बड़ा अच्छे तरीके से पता उसका हो। नॉलेज, सॉरी मैं कट ऑफ करूँ, आपको उसका नॉलेज आप जज करेंगे, उसको 3-4-5 अगर ऑफिस में आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट सिनेरियोस क्या जा रहे हैं, वैल्यूज क्या जा रही हैं, प्राइसेस क्या जा रही हैं, रेट्स क्या जा रहे हैं। तो अगर उसका नॉलेज अप टू डेट है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये बंदा जो है ना ऑथेंटिक है। इसके नहीं, साथ देखें सलमान साहब, आप कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। देखें, एक बंदा आया जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो आया है, बैठा है, और आप उसको वही पता जो आप बताएंगे, जी ऐसे ही ठीक है। हो सकता है वो 2-3 जगह और जाए, फिर उसको थोड़ी और नॉलेज हो, लेकिन उसको नॉलेज एक्वायर करते करते इतना टाइम लग जाएगा कि हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल जाए। तो हमेशा एक सर्टिफाइड रियल स्टेट प्रोफेशनल या एक जो प्रॉपर रियल स्टेट का लोग काम कर रहे होते हैं, ब्रो उनके साथ बैठें, उनके साथ एक एग्रीमेंट करें कि जी, आप हमें ये चीज़ लेके देंगे और इस चीज़ के ऊपर इसमें हम, एक चीज एडिशन जो भी मेरे माइंड हाँ, में है कि एक हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है। बहुत कोई मैटर कोई करती कोई है कंपनी, उसकी आप हिस्ट्री चेक करें कि उसकी डिलीवरेंस क्या है और क्या डिलीवरेंस उसका क्या है। बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन आप दैट जब जाते मैटर्स। हैं कभी रियल स्टेट के ऑफिस में या ऐसी हाई राइज प्रोजेक्ट के ऑफिस में, तो वो आपको ये अक्सर दिखाते हैं, सर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहरिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, या इस्लामाबाद का CDA का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो आपको 3Ds दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, और आपको इतना इम्प्रेस कर देंगे कि आप कहेंगे ये लो यार, मेरा चेक ये पड़ा हुआ है, मुझे अभी चाहिए ये चीज़ और अभी इसको बुक कर कैश दो, ग्रो ठीक है। लेकिन आप, यू शुड बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखें वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका सरमाया है पूरी ज़िंदगी का। आप कुछ लोगों की तो वो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, बच्चों का बिल्कुल पेट काट काट के उन्होंने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट जमा की होती है ताकि कल को एक घर या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे उनको जी प्रॉफिट बिल्कुल। मिले। इस चीज को मैं, सॉरी फॉर कटिंग ऑफ अगेन, इस चीज को मैं बड़ा एक इसको लेके चलूंगा कि हमें नहीं पता होता कि हमें बस 1.5-2-3 करोड़ नजर आ रहे होते हैं। हाँ, अब हर बंदा जो है उसके 1.5-2-3 करोड़ उसके पास स्पेयर नहीं होते। कुछ बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनका वो एक सारा, वो एक वो, मतलब कि एंसेस्टर्स का, बड़ों का एक वो जो है आप एक विरासत में से, जायदाद, जायदाद में से हिस्सा होता है, जो हाँ, कि 10-10, 12-12 के कोर्ट केसेस के चक्कर काट के बेचारों को काट करके मिलता मिला है। होता। तो खुदा का खौफ किया करेंगे इस जो है सिनारियो में। हर बंदे की बड़ी मेहनत की, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है किसी जगह एग्जैक्टली, पैसा लगवा रहे हैं, तो खौफ खुदा जो है ना तो डीलर्स को उस, खास तौर पर एग्जैक्टली, मैं दिल में रखना और चाहिए। दूसरी बात, जब आप इससे सेव किस तरह से हो सकते हैं, तो आप ग्रुप को देखें कि आपका ग्रुप कितना स्ट्रांग है। हमेशा कभी भी 3D इमेजेस लड़कियों को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। खुदारा, अगर आप इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाना चाहते हैं तो कभी ये मत कीजिएगा।
आप हमेशा ग्रुप की प्रोफाइल चेक करें, ग्रुप क्या था, क्या कर रहा है, कितने अरसे से मार्केट के अंदर है, इनका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, और ये किस तरीके से चल रहे हैं, प्रोजेक्ट कितने डिलीवर किए हैं, और इनके जो अभी प्रॉमिस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कितना चल रहा है। उसके बीच में आपकी एनओसीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी एनओसीज आरडीए सीडीए से या बैरिया से अप्रूव्ड होनी चाहिए, आपकी प्रोजेक्ट साइट के ऊपर काम शुरू होना चाहिए, और 24/7 या 24/7 ना भी हो तो 12 आवर्स या 8 आवर्स तो आपका उधर काम साइट के ऊपर चल रहा हो और डेली बेसिस पे। और बहुत अच्छे ग्रुप्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी साइट की कंस्ट्रक्शन अपडेट अपने पेजेस के ऊपर डालते हैं, चैनल्स पे, फेसबुक पेजेस पे डालते हैं। आप उनको भी देखा करें, सर्च किया करें। आप हमेशा मेक श्योर ये करें कि आप जिस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके पिछली जो क्लाइंटेज है वो खुश है या ना खुश है। अब अभी जो फॉलो अप फिर लें, हाँ, जो आप इन्वेस्टमेंट किए फॉलो अप लें, उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत काउंट होती है। बिल्कुल। तो इसके साथ एक लास्ट पॉइंट जो है मेरे माइंड में ये था कि रेंटल का बड़ा एक मार्केट में लोग कह रहे हैं कि यार प्रोजेक्ट बना नहीं है जी, अभी जमीन है सारी, उसमें वो खड्डा शड्डा उन्होंने डाला हुआ है, रेंट कहाँ से दे रहे हैं? तो इसका तो मुझे बताइए, आप ये रेंटल फार्मूला की बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। इसमें बेसिकली मैं इसको रेंटल नहीं मानता, एक चीज़ बनी नहीं है आप उसका रेंट कैसे दे सकते? बिल्कुल। देखिए ये चीज़ होती है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज़ कॉल्ड योर प्रॉफिट और आरओआई। ये आपको मिलता है आपकी रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब लोग ये पूछेंगे यार प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर सिर्फ खाली काम हो रहा है और प्रॉफिट कहाँ से दे रहे हैं? मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिल रहा है, साल का जो एनुअल 29-30% उनको ऑफर किया जा रहा है और लोग उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट भी डाल रहे हैं। और ये जो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रही कंपनी वो किस तरीके से कर रही है? अभी रिसेंटली मुझे एक बंदे ने एक आदमी से रब्ता हुआ, उसने कहा जी आप जो है वो 2% ऑफर करें, मैं 3% ले रहा हूँ। मैंने कहा जी आप कहाँ से 3% ले रहे हैं? कहते जी बस छोड़े ये बात छोड़ देंगे, हम कहाँ से ले रहे हैं। 3% आ रहा होता वो हलाल होता है, जब 3% दो महीने नहीं आता फिर हराम हराम हो जाता है। तो ये बात है कि मैंने उससे पूछा यार आप कहाँ से ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, कुछ हमें भी बताएं कि मार्केट नॉलेज हो, ये कौन सा बंदा है जो 3% आपको रेंटल ऑफर कर रहा है। तो उसने बड़ी हैरानकुन बात की, सलमान साहब कहता है कि ये जी कोई राज भी होते हैं, पर्दादारी होती है कारोबार की, ऐसे किसी को नहीं बताते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक कंपनी अगर ऐसे काम कर रही है और इस तरीके से अगर वो मंथली प्रॉफिट भी दे रही है, वो क्यों इस चीज़ को हाइड कर रही है? उसके लिए तो बड़ा बेनिफिशियल होगा कि वो बताए दूसरे लोगों को और अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करे कि हम कहाँ से पैसा कमा रहे हैं और आपको प्रॉफिट कहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अभी जिस तरह मैं एक ग्रुप में काम कर रहा हूँ MGC डेवलपमेंट्स में, तो हम लोग कहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं? देखिए हमारा खाली मियाँ ग्रुप का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल जो है वो मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पहले मशहूर है, 35 ईयर्स ऑफ लेगेसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस एंड ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का वाहिद ग्रुप है जिसका लोगों ने पैसा देना है, क्योंकि आपका काम इंस्टॉलमेंट बेस्ड है, आपको लोगों ने पैसा देना है, और तकरीबन 100+ फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेज ऑल ओवर पाकिस्तान में। तो ऑलमोस्ट अराउंड अगर मैं एक एस्टिमेट दूं आपको तो महीने का जो रेवेन्यू है वो 1 अरब के अराउंड अबाउट है। ठीक है, सिर्फ फ्रॉम दैट बिजनेस। तो ये बैकअप भी बड़ा मजबूत होना चाहिए। और कुछ लोग आप कह रहे थे कि स्कैम होता है, कुछ कंपनीज भाग जाती हैं, वो क्यों भाग जाती हैं, उसके पीछे क्या वजह है? ये रीजन भी है उसमें कि वो एक बैकअप बैकअप आप जारी बात, कोई एक प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हो तो आप एक रिस्क एनालिसिस करते रिस्क एनालिसिस किया जाता है, आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती हैं। अगर आपकी जो है चीजें हैं वो आपकी जो आपने जो एक डिजाइन किया है, डिफाइन किया है एक पूरा रोड मैप, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, डिले हो जाएं या रुक जाएं, तो आपने उसके सेकंड प्लान बी आपका क्या है? प्लान बी क्या है? प्लान खाली बी नहीं होता, सी भी होता है, सी भी होता है। ठीक है, आपके डिफरेंट बैकअप प्लान होते हैं। अगर इनकेस जिस तरह अभी लोगों को नहीं पता था कि यार अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, पाकिस्तान इस टाइम पे इतना बदहाल हो जाएगा, तब हम किस तरह से चलेंगे, लोगों के इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे बनाएंगे, इस चीज़ों का एनालिसिस ही नहीं करते। ठीक है, आप खाली ये देख रहे हैं कि हमने पैसा लेना है और उसको हमने जो है वो अपनी साइशों में और शशकों में लगा देना है, हमने कोई बैकअप प्लान भी रखना है, हमने उस प्रोजेक्ट को जो हमने प्रॉमिस किया है लोगों के साथ उसको हमने एग्जीक्यूट भी करना है, उसको बनाना है, डिलीवर करना है। ठीक है, जब तक वो बनेगा नहीं, डिलीवर नहीं होगा, तब तक उन लोगों का पैसा स्टक रहेगा। ठीक है, आपने अरबों रुपया इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने उठा लिया और वो आप कहाँ पे लगा रहे हैं कि आप जो है उससे VAT ले रहे हैं,
ठीक है, आप उससे नए नए ऑफिसेज बना रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, मजीद ब्रांचेस मंथली ओपन कर रहे बेसिस के हैं ऊपर आपके करोड़ों रुपए तो खाली सैलरीज के ऊपर लग जाते बिल्कुल हैं, और आप सिर्फ, आपके पास दूसरा कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, आपने सर्वाइवल। मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा दिया, आप फेंकी जा रहे हैं फेंकी जा रहे हैं, पैसा लोगों का है। फिर उसमें ऑप्शन फिर दो ही होते हैं कि आप जब आपका सर्वाइवल नहीं होता फिर, या फिर आपके ऑफिस बंद हो जाते हैं या फिर आप भाग जाते हैं, वो थर्ड ऑप्शन कोई है नहीं। हाँ, फिर लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं टॉर्च लेके और आप नजर नहीं हाँ आते आप कहीं पे नजर भी। नहीं आ रहे, आप मिस्टर एक्स बन जाते हैं। तो व्यूअर्स आई थिंक काफी एक हेल्दी डिस्कशन, काफी नॉलेज शेयरिंग इस डिस्कशन में हुआ है, और काफी सारे आपके कंसर्न्स थे, क्वेश्चंस आई थिंक उसको भी हमने कवर किया है। तो आज के लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सुभान साहब थैंक आपका यू वेरी आने के मच। लिए, और ये था आज का हमारा पॉडकास्ट सेशन, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।